हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर PET की लाइव क्लास होती है, जो कि मॉडल पेपर आपका होता है। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो पहला क्वेश्चन दिया है, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो को भाई सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं नए, वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर 1 का ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं, सूर्य मंदिर ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिए, महाबलीपुरम में। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। और यहाँ पर 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके द्वारा निर्मित कराया गया था सूर्य मंदिर, जो की द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर एक उदाहरण है। यहाँ पर सूर्य मंदिर ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस राज्य में था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस राज्य में था, 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए मौर्य समय में था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये मौर्य समय में आपका हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। कौन सा वेद सबसे पुराना है, आपने हमेशा से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो चलिए जवाब दीजिए इसका। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका लगभग सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, लॉक करते हैं ऑप्शन सी को, ऋग्वेद इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी, अतः हड़प्पा सभ्यता में जो नृत्य करती हुई मूर्ति है ये आपकी किसकी थी। तो देखिये ऑप्शन मुझे आपका कांसा की बनी हुई थी, ये मूर्ति किससे, तो आपकी कांसा की बनी हुई थी, अर्थात ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका बी नंबर है, ये मोहनजोदड़ो में देखा जाए प्राप्त हुई एक मूर्ति कला है, जो विशिष्ट उदाहरण आपकी है, ऑप्शन बने बी नंबर। अगला है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आपका आया था। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 5 का ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1498 में। कब? 1498 में। अगर डेट पूछे तो आपको डेट बताना है 20 मई का, 20 मई 1498 को पहुंचा था, और यहाँ पर पहुंचकर क्या किया था, एक नए समुद्र मार्ग की खोज किया था। कालीकट में एक राजा थे जमोरिन, है ना, जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया था, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा प्रदान किया वो किसने किया। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीडी सावरकर जिसको ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। निम्नलिखित में से किसने विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका मदन लाल ढींगरा। क्या हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो की आपके 1909 में, कब भी, तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दिया था, और इस हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर वहीं पर इन्हें फांसी भी दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके 1931 में। कब हुआ था, 1931, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आपके कह सकते हैं कि लॉर्ड जो आपके थे, कौन, लॉर्ड इरविन की भेंट आपकी हुई थी गांधी जी से, है ना, उन्हीं की भी समझौता हुआ था, तो इसी को आ जाता है। इस समझौते को देखा जाए तो कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, जो कांग्रेस थी तो उसको अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित करना पड़ा था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है दिसंबर में, तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड माउंटबेटन आपको लगाना है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये लगा देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय गवर्नर जनरल आप क्या लगाते हैं, तो आप लोग लगाते हैं सी राजगोपालाचारी। इस कारण से ऑप्शन क्या लगेगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। भारत के साथ नहीं लगती है, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो आपका पूछा गया है कि किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, लेकिन ईरान के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, 12 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपके उत्तराखंड में, कहां पर है आपके उत्तराखंड में है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए ये आपकी काफी सर्वोच्च ऊंची चोटी आपकी है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखिए 13 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों को देखिए जवाब आ रहा है खेतड़ी, बिल्कुल धांसू तैयारी है भाई। जो वो खेतड़ी तांबे की आग के लिए जाना जाता है, और यह राजस्थान के कहां पर है, राजस्थान में जिला पड़ता है झुंझुनू जिला, कहां पर झुंझुनू, तो झुंझुनू जिला में आपके स्थित है खेतड़ी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 घंटे के समय अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है। देखो यहाँ पर 2 घंटा दिया है, 2 घंटा के लिए आपसे पूछा देशांतर दूरी। हमने आपको बताया था कि आपकी जो पृथ्वी है वो एक अंश में कितना घूमती है, 4 मिनट घूमती है, 4 मिनट घूमती है। तो कह रहा है 2 घंटा आपसे कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका मालूम है कि 15 अंश में कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, तो 30 अंश में 2 घंटा हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 30 अंश को निकालना है 2 घंटा, तो हमने बताया था 30 अंश × 4, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, 1 अंश में 4 मिनट, 60 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पर 30 × 60 2 घंटा निकल के आ गया, इसका मतलब ये, और 2 घंटा मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। चलिए 15 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आर्कटिका, फिर यूरोप, फिर लास्ट में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। अगला, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 16 ऑप्शन दे रहे हैं, 16 ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। देखिए यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है, ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ऑप्शन मैंने आपका नंबर। आगे कि आरबीआई का जो मुख्यालय है आपके कहां पर है, आरबीआई का जो मुख्यालय है आपके कहां पर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 17 जो ऑप्शन है आपके, देखिए आपका आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, आपके मुंबई में है दोस्तों, कहां पर है, ऑप्शन जो आपका आ रहा है 17 नंबर में, वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक जिसने डिजाइन किया था वो कौन था, भारतीय मुद्रा का जो डिजाइन यहाँ पर तैयार किया था इसका नाम आपको बताना है, तो चलिए बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 नंबर में, उदय कुमार, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, उदय कुमार इसका आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया वो किस वर्ष किया गया, क्वेश्चन नंबर 19 लॉक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, 1950 में, कब किया गया था, तो 15 मार्च, डेट याद रखिए 15 मार्च, क्योंकि डेट भी पूछ सकता है, तो 15 मार्च 1950 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग हट गया है, अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा कोष 1 लाख तक मुद्रा ऋण दे सकता है या प्रदान कर सकता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दिया गया है, इसके तहत याद रखिएगा आपका 10 लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत जो किया किसने किया था, तो इसकी शुरुआत 2015 को नई दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, सर्वाधिक प्रतिनिधि आपके कहां से है, तो यहाँ पर आपके कहां से, उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए लोकसभा में सीटें कितनी आपकी है, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में सीटें पूछे तो क्या बताएंगे, तो राज्यसभा में आप 31 बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सर्वाधिक सीटें आपके उत्तर प्रदेश की हैं। अगला, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, कब से रह सकता है, चलिए कब से रह सकता है, तो अपने पद ग्रहण के दिन से रह सकता है, मतलब 5 वर्ष तक यहाँ पर अपने पद ग्रहण के दिन से इसको जोड़ा जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसके व्यादेशित यहाँ पर है, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 50 आपके किस में आएगा, तो नीति निदेशक तत्व में आएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है वो आपकी कौन सी सूची होती है, ऐसी सूची कौन सी होती है जिसमें यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके, तो ये होती है आपकी कौन सी, ऑप्शन सी समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना, और यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, चलिए लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा,
फुल सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट जरूर करें। देखिए 25 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ष में दो बार, कितने वर्ष में दो बार, क्योंकि ऑप्शन है बी नंबर। अगला है, कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो सदैव होता है कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। 26 का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका। याद रखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बताइएगा, कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति की, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 27 का ऑप्शन आपका अवतल लेंस, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बताइएगा, कह रहे हैं तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो आपकी कौन सी है, तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो देखिए HG अर्थात पारा या मरकरी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, आप पारा कह सकते हैं, इसे मरकरी भी कह सकते हैं जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला है किसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, ये बताइए बॉडी में कौन सा यहाँ पर विटामिन नहीं हो या कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में रोग हो जाता है रिकेटस, कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका विटामिन डी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, है ना, हड्डियों को पोषण प्रदान करने के लिए ये आपका विटामिन होता है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है, 30 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, यहाँ पर जो आंसर है 30 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम इनमें से क्या होता है, प्रत्यक्ष का विलोम बताना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम क्या बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं 36 नंबर में, और ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है परोक्ष होता है, ऑप्शन क्या बन गया बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बताइएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, यहाँ पर कह रहा है विकल्प में से कौन सा गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है 37 नंबर में। चलिए देखिये आपसे यहाँ पर दिया गया है जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल कहते हैं, आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं, अग्रगामी नहीं कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं ना, अग्रसोची कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया। समुद्र में आग लगने वाली बड़वाग्नि और पेट में लगने वाली जठराग्नि होती है। अगला कमल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई कमल का पर्यायवाची की अगर बात करें 38 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 नंबर में, 38 नंबर में डी हो जाएगा, इंद्रीवर होता है, क्या होता है इंद्रीवर होता है, यहाँ पर आपका आंसर 38 नंबर में बिल्कुल सही जवाब है इंद्रीवर, ठीक है। और भी आपके पर्यायवाची होते हैं, है ना, क्योंकि कमल के पर्यायवाची काफी पूछे जाते हैं जबकि आपको मालूम भी होना चाहिए, राजीव अंबुज कमल, है ना, पंकज हो गया, जलज हो गया, सरोज नीरज, है ना। आगे बताइएगा कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, वैदेही वनवास किसकी रचना है 39 नंबर में, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय, चलिए 39 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा जो आपके हैं, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। इनकी और भी आपकी रचनाएं जैसे आपका हो गया चोखी चौबदे, क्या चोखी चौबदे, प्रिय प्रवास, कल्पलता, परिजात, इनके काफी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, अधिक प्रिय होना, ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, देखो यहाँ पर दिया गया गमोचा ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है, 61 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, असम का है, कहाँ का है असम का, इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है 62 नंबर में, देखिए आपका उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता है ना, हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश का दूरी दूरी तक कोई मतलब आपका नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है 63 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा पेरिस में है दोस्तों, कहाँ पर है आपका पेरिस, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, क्या सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, चलिए देखिए यहाँ पर आपका 64 नंबर में आपने कई बार पढ़ा होगा यहाँ पर आपका गणित, है ना, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो दिया क्या जाता है नोबेल पुरस्कार, मतलब गणित के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो क्या होता है यहाँ पर बताइएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेलकम है। देखो गणित का लिए एबल पुरस्कार होता है, क्या होता है एबल पुरस्कार दिया जाता है जो कि सर्वोत्तम होता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइएगा, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम 65 नंबर में, तो 65 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, 65 का ऑप्शन देखिए काला कौवा है दोस्तों, याद रखिएगा भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, काला कौवा, काला
कौवा याद रखिएगा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रविन, क्या बोलते हैं रविन बोल देते हैं। अगला है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है 66 नंबर में, चलिए बताइएगा राधे राधे भाई राधे राधे। देखिए 66 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके गुजरात के तट पर है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपका जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूछा गया है, तो 67 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 15 मई को मनाते हैं, कब मनाते हैं 15 मई को मनाते हैं याद रखिएगा। और 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय रहा था कि परिवार और शहरीकरण, क्या विषय रहा था 2022 में ये रहा था कि परिवार और शहरीकरण, ये 2022 का क्या रहा है दिवस रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन अवर टाइम्स नामक जो पुस्तक लिखा है किसने लिखा है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन अवर टाइम्स जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है, तो 68 को ऑप्शन बी का सलमान खुर्शीद, कौन है सलमान खुर्शीद, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये केंद्रीय पूर्व मतलब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता आपके रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस के आधार पर किस मेडिकल कॉलेज को पहली रैंकिंग दी गई है, जवाब देना है आपका आंसर इनमें से बनेगा राइट क्या हो सकता है, चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो किस मेडिकल कॉलेज को पहली रैंक प्रदान की गई है, पहली रैंक जो आपकी है वो किसकी है, चलिए भाई यहां पर जवाब देने का प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करें कि आपको ये चीज याद रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन आपके हैं। और यहां पर दोस्तों देखा जाए तो आपका आंसर लगभग सभी का आ गया है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर याद रखिए, ये है आपका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि आपके प्रयागराज में है, ठीक है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों 52 नंबर में, दोस्तों 52 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके चित्रकूट में कहाँ बनाया जाएगा आपके चित्रकूट में बनाया जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं, चलिए उत्तर प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 17 आपके आपके कह सकते हैं सेंटर हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, दोस्तों बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, दोस्तों याद रखिएगा कि बजट से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर 33,769 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए 55 के भी ऑप्शन आ रहे हैं याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा याद रखिए गोरखपुर क्या हो जाएगा गोरखपुर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं, चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है याद रखिएगा 5000, कितने हो जाएंगे 5000 कैमरे लगाए गए हैं, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगाया गया है, चलिए बताइए ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला है और ये लगाया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में, कहाँ पर है वाराणसी, इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा एग्रो मॉल यहाँ पर होगा एग्रो मॉल, और एग्रो मॉल आपका जो है वो आपके लखनऊ में किया जा रहा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये किसानों से रिलेटेड आपका है ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है, चलिए जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा कॉलेज है जो कि ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला ये पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है,
दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर ए। ये है उदय प्रताप कॉलेज जो कि वाराणसी है, उदय प्रताप कॉलेज जो कि वाराणसी, इसका आंसर सी नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ड्रोन शो आपका मेला है, यह आयोजन किया गया था आपके ऑप्शन सी आपके गोरखपुर में। कहाँ पर है तो आपके गोरखपुर में किया गया था। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो, दिया गया है जो आपकी क्रांतियां हैं है ना, कृषि से संबंधित जो आपकी क्रांतियां होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको बनना है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे यहां पर हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखा है, अब उनका यहां पर रिवीजन करना है। तो जो लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और ध्यान से यहाँ पर सुनते रहेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है श्वेत क्रांति, और देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखो दिया गया है श्वेत क्रांति की अगर बात करते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो आप कहेंगे सर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं तो आपके वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, और इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों दिया गया है हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के दोस्तों ये उत्पादन आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है तो आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित आपके हैं। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं, तो गुलाबी क्रांति के जनक आपके दुर्गेश पटेल हैं, और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किससे है तो आपके झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से है। अगला है नीली क्रांति के जो जनक आपके हैं वो कौन हैं, तो नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्ण हो जाएंगे, और नीली क्रांति में क्या होता है यहाँ पर मत्स्य पालन होता है, याद रखिएगा। वहीं पर रजत क्रांति दोस्तों आपके अंडे उत्पादन से है, रजत क्रांति के जनक आपके इंदिरा गांधी हैं, और याद रखिएगा रजत क्रांति अंडे से संबंधित आपकी है। अगला दिया गया है प्रेरित प्रजनन के पिता आपके हैं कौन, प्रोफेसर हरिलाल चौधरी। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पीली क्रांति के जनक कौन है, तो स्वयं पित्रोदा है, है ना। याद रखिए पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपके किससे है तो आप कहेंगे सरसों से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण क्रांति, दिया गया है स्वर्ण क्रांति के जनक आपके कौन है, तो निरपक्ष दूतेज हैं। वैसे ये ज्यादा आपको इतने डीपली पूछेगा नहीं, है ना, ये चीजें आपको ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइएगा कि स्वर्ण क्रांति के जो जनक आपके हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, चलिए बताइएगा जल्दी से कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। चलिए स्वर्ण क्रांति होता है पेट्रोलियम से, है ना, किससे होता है, पेट्रोलियम से होता है, जिसे हम लोग कृष्ण क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति का संबंध आपके सीमेंट उर्वरक, है ना, ऊन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक आपके कौन है, विशाल तिवारी जी हैं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। काली क्रांति आपके पेट्रोलियम, है ना, प्रोडक्शन से है। सदाबहार क्रांति है कृषि का समग्र विकास से है। और पीली क्रांति दोस्तों देखिए तिलहन के बीज हो गया, तिलहन हो गया, तेल के बीज हो गया, खाद्य तेल हो गया, है ना, सरसों हो गया, सूरजमुखी, मतलब तेल से रिलेटेड जो भी है वो आपकी पीली क्रांति है। दोस्तों यहाँ पर देखो ग्रीन गोल्ड क्रांति दिया गया है, क्या दिया है, ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ये आपके हैं चाय उत्पादन से, किससे है, चाय उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति आपके किससे है, तो बायोडीजल से, किससे है तो आपके बायोडीजल से संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। वहीं पर लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से, किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे है, तो सेफ्रान क्रांति का संबंध है आपके केसर उत्पादन से, किससे है, केसर उत्पादन से है। अगला है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध आपके किससे है, फल उत्पादन से है, किससे है, फल उत्पादन से आपके हैं। अगला है यहाँ पर दोस्तों देखिए मक्का क्रांति, मक्का क्रांति का संबंध है आपके मोटे अनाज के उत्पादन से, किससे है, मोटे अनाजों के उत्पादन से है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कह रहा है परामणि क्रांति, देखिए नया क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि परामणि क्रांति, परामणि क्रांति भिंड उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे है, तो आपके आलू उत्पादन से, याद रखिए गोल क्रांति आलू उत्पादन से। वहीं पर सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है, सिल्वर फाइबर क्रांति आपके कपास उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है, गोल्डन फाइबर क्रांति है ये आपके जूट उत्पादन से, किससे है, जूट उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति सोना ये आपके दोस्तों बांस उत्पादन से, हरित सोना क्रांति आपके बांस उत्पादन से है। और अगला है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति में दोस्तों शहद और बागवानी, क्या स्वर्ण क्रांति से शहद और बागवानी हो जाएगा। वहीं पर देखो व्हाइट गोल्ड क्रांति,
व्हाइट गोल्ड क्रांति, ये दोस्तों तीसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और ये कपास उत्पादन से संबंधित है। और अगला दिया गया है अमृत क्रांति। दोस्तों अमृत क्रांति का संबंध कैसे है, तो अमृत क्रांति दोस्तों नदी योजना से संबंधित आपकी है। वहीं पर दिया है थसर या स्लेटी क्रांति, जो कि सीमेंट उत्पादन से है। धसर या स्लेटी क्रांति आपके सीमेंट उत्पादन से है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास से संबंधित आपका है। और अगला दिया गया है गंगा क्रांति, तो गंगा क्रांति है किसके, तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। वहीं पर दिया गया है सदाबहार क्रांति किससे है, तो सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से है। किससे है, जैव तकनीकी से है। स्लेटी या ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध, देखिए खाकी क्रांति का संबंध कैसे है, तो आपके चमड़ा उत्पादन से है। कैसे है, चमड़ा उत्पादन से है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति, मतलब भारतीय कृषकों की जो आय थी 2020 तक दुगना करने के लिए यहाँ पर चलाई गई थी। अगला दिया गया है एनएच क्रांति, दोस्तों क्या है, तो एनएच क्रांति दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अर्थात जो दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये चार शहरों को नेशनल हाईवे के द्वारा जोड़ा जाना ही ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, देखो इसमें से क्या है, अब आपको लग रहा है इतना कैसे पढ़ेंगे, इसके पहले तो आपने बहुत चीजें पढ़ लिया है ना, बहुत चीजें नहीं, इसका 75% आपने पढ़ लिया है, 25% आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एग्जाम में अगर कोई नया आ गया तो फिर क्या करेंगे, एग्जाम में अगर नया आ गया तो क्या हो गया, वही पुराना चाल में थोड़ा डालना है, हम तो आपको मजबूत करने के प्रयास में है। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति के जनक आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा प्रोटीन क्रांति के जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली आपके हैं। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, तो इंद्रधनुषी क्रांति है संपूर्ण कृषि क्षेत्र को विकास से करने से है। और अगला दिया गया है खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति जो कि खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। मिल्क मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, भारत का दूध वाला, याद रखिए वर्गीज कुरियन हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है यूनानी क्रांति के जनक कौन है, तो यूनानी क्रांति के जनक याद रखिए भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है, स्वामीनाथन आपके हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर हम आपसे पूछे कि हरित क्रांति का जो शब्द दिया वो किसने दिया था, हरित क्रांति का जो शब्द दिया, हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, ये जवाब देना है जल्दी से। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विलियम गॉड, क्या हो जाएगा विलियम गॉड, ये दोस्तों याद रखिएगा विलियम गॉड क्या है, ये हरित क्रांति शब्द दिया था। दोस्तों याद रखिएगा विलियम गॉड हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति आपके एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में आपके हैं कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें जितनी भी क्रांतियां थी वो आज इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है, और हमारी डेली की क्लास में आपको स्पेशल मिलेगा। हमने बताया है हमारी हर एक क्लास स्पेशल होती है, और अगली क्लास भी आपकी स्पेशल होने वाली है। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है ना, एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए अगली क्लास में आइए, अगली क्लास की लिंक दी गई है, क्लिक करके अगली क्लास में जल्दी से आइए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।